सूरत शहर में काला बजारियों नो लाचियो धंधो वधी जता उत्तर प्रदेश सरकारे श्रमिकों माटे दौड़ती श्रमिक ट्रेनों ना खर्चा उपाड़वानु नक्की कर्यु छे जेथी श्रमिकों ना पैसा नो दुरुपयोग न थाय। आपका नाम? अजय सिंह राजपूत जी। क्या मुद्दा है सर के क्या किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? अभी हाल ही में जो आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश सरकार का अभी कल एक फैसला आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो प्रवासी मजदूर है माइग्रेंट उसके लिए श्रमिक ट्रेन जो चलाई जा रही है उसके लिए उन्होंने बहुत ही बधाई पात्र जो है एक निर्णय लिया है कि माइग्रेंट मजदूरों के लिए जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं उनका किराया उत्तर प्रदेश सरकार देगी। इसको लेकर के दो दिन पहले ही एक विज्ञापन छपा था पेपर में जिसके विषय में हमें कोई जानकारी थी नहीं, तो हमने उसके बारे में बताया था कि हम अभी तक जितने हमने ट्रेनें भेजी हैं उन सबका किराया हम स्वयंसेवक जो है श्रमिकों द्वारा जो लिया गया किराया है वो पे करके रेलवे ने टिकट दिया है, मगर आज रात से 12 बजे के बाद मतलब आज की डेट से उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा किराया जो है वो मुफ्त कर दिया है। तो इस विषय को लेकर के हम ऐसा चाहते हैं कि जितना अच्छा और बधाई पात्र जो निर्णय है इसको लेकर जन जागरूकता होनी चाहिए, माइग्रेंट मजदूरों को पता होना चाहिए कि अब उनको एक रुपया भी किराया देना नहीं है, वो किसी भी के यहाँ से वो कराए वो किराया नहीं दें, और अगर कोई किराया ले रहा है तो कानून को भी उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बीच में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस विषम परिस्थिति में भी लोगों के साथ फ्रॉड चीटिंग करके भगे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दलड़े से बिना किसी संकोच के किराए प्रिंट रेट से भी कई गुना अधिक लिया गया है, जिसको बार बार मैंने उठाया, बार बार लेबरों ने भी कहा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मगर कुछ ऐसे बेशर्म लोग हैं जिनको कुछ पड़ी नहीं है, जो सोच नहीं रहे कि ये किन गरीबों से पैसा ले रहे हैं। ये वो गरीब है जिनको 46 दिन खाना खिलाया है, प्लेट में 3-3 घंटे लाइन में लगे लेके प्लेट में इन्होंने खाना खाया है। ऐसे लोगों से पैसा लेने वाले वो जो राक्षस प्रकृति के लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि कानून उन पर कड़ी कार्रवाई करे और कुछ ऐसी व्यवस्था निकाली जाए सरकार की तरफ से कि कोई पोर्टल बनाए जिससे मजदूर डायरेक्ट जो है कलेक्टर के संपर्क में रहे और कलेक्टर डायरेक्ट ऐसा कोई मैसेज दें जिससे जिनका टिकट कंफर्म हो जिनको जाना हो वो लोगों तक सूचना पहुंचे और वही लोग वहां पे जाएं स्क्रीनिंग कराएं और वहीं से जहां स्क्रीनिंग हो वहीं से क्यों ना टिकट वितरण किया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था कराए। आपके जरिए भी ट्रेन लोग श्रमिक लोगों को उनके वतन भेजा गया है, आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैंने जिन जिन लोगों को भेजा है प्रिंट रेट जो टिकट रही है उस आधार पे अगर कोई असंभव व्यक्ति रहा है जो नहीं कर पाता था उसके लिए मैंने कोशिश ये किया है कि हमारे जो लोग हैं संगठन के उनके द्वारा हमने 25-30-50 जो भी जो हो सकता था हर ट्रेन में हमने आदमी अपने जेब के खर्च से हमने भिजवाया। अगर किसी के यहाँ अवसान पड़ गया है अगर वो देना भी चाह रहा था कि भैया जो भी टिकट का भाड़ा हम देंगे, तो मैंने कभी अवसान वाले से एक रुपया टिकट का भाड़ा लिया नहीं। तो ऐसी परिस्थिति क्योंकि ये तन मन धन से सेवा करने का काम है, इसमें सरकार ने आपको जबरदस्ती नहीं लगाया, आप अपनी मर्जी से सेवा करने आए हो, तो जब सेवा करने आए हो तो सेवा के रूप में करो। बहुत लोग हैं ना इसको सेवा छोड़ करके दूसरे पर्याय में लिए। अभी मैं उदाहरण के रूप में अगर आपको बताना चाहूँगा कि जब तक खाना बट रहा था इनमें से ज़्यादातर लोग 45 दिन घर से नहीं निकले, और जैसे ही श्रमिक ट्रेन चालू हुई है इतने सारे स्वयंसेवक खड़े हो गए हैं, मगर वो सब फ्रॉड हैं, सब पैसा बनाने के उसमें लगे हुए हैं, दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है। और इसके साक्षात आप मीडिया के मित्रों ने भी बहुत जगह कवरेज किया, बहुत लोगों को पकड़ा भी है, बहुत जगह मारपीट भी हुई है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में हो क्या सकता है कि जो श्रमिक दर दर की ठोकरें खा रहा है उसकी मदद नहीं करके उसका शोषण उसके समाज के ही लोग कर रहे हैं, ये दुखद है। जो जिन लोगों ने टिकट का फॉर्म भरा हुआ है पैसे दिए हुए हैं उनकी ट्रेन अभी भी वेटिंग में चल रही है तो उनको क्या पैसा वापस किया जाएगा जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रेन फ्री कर दिए? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको सरकार को ध्यान में लेना चाहिए। जिन लोगों के पैसे जिन लोगों ने जमा किए हैं तत्काल प्रभाव से उनको पैसा पहले तो वापस कर देना चाहिए, दूसरी चीज उनको ही टिकट मिले इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, उन टिकटों की कालाबाजारी न हो सरकार इस पर भी ध्यान रखे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा रिफंड कर रहे हैं फिर उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। तो अनुरोध है, ऐसे सरकार के लोग हर जगह घूम रहे हैं, पुलिस ने कई जगह FIR भी दाखिल किया है, पुलिस प्रशासन का काम बहुत अच्छा है, मगर फिर भी दलाल ऐसे हैं
जो अपनी दलाली करने में कामयाब हो जा रहे हैं। तो शासन जितना जल्दी सख्त होगा, अच्छी व्यवस्था बनाएगा, तो इन दलालों का जो है काम खत्म हो जाएगा। कुछ नेताओं का नाम भी इस टिकट के जो पैसे उसमें जा बढ़ोतरी करके बेची जा रही है, तो उनके बारे में क्या कहोगे? देखिए, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी जनप्रतिनिधि है वो भूल चुका है कि मैं कौन हूँ। वो जनप्रतिनिधि है, जनता का सेवक है, जनता के लिए है, और जनता उसके पास एक आशा लेके जा रही है। फिर भी वो मूर्ख अगर ऐसे विपत्ति के समय में मूर्खता कर रहा है, और वो धन का क्या करेगा, इस धन के संचय का क्या करेगा वो? इस गरीब के धन से उसकी पीढ़ियों का विनाश हो जाएगा, ये मेरा मानना है। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि जनता ने आपको चुना है सेवा करने के लिए, आप अभी भी सुधर जाओ, आगे आने वाले समय में अगर निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे ईश्वर के साथ साथ ये जनता भी आपको आशीर्वाद देगी। मेरा उनको संदेश है, विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी भी सुधर जाएं। जनता ने आपको अगर चुना है तो उसकी सेवा करें, ना करके उसका शोषण करें। अजय भाई, इसमें ऐसा हो रहा है कि जो बिचौले हैं उनके धरपकड़ हो रही है, जिनके हस्त तक ये हो रहा है, पुलिस उन पे कार्यवाही नहीं कर रही है, नहीं, इसके बारे में आप क्या कहोगे? मेरा ऐसा मानना, पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, ऐसा नहीं पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, मगर जो इसमें पॉलिटिकल लोग घुसे हुए हैं उनका अभी भी पूरी तरह से दृष्टिकोण साफ सुथरा नहीं है। सामने कुछ है और पीठ पीछे कुछ है। बहुत सारे लोगों का मुझे जो पता चला है लोगों के द्वारा, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पॉलिटिकल लोग खुद इस चीज को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, तब जाके ये करप्शन हो रहा है।